दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से हाई अलर्ट जारी किया गया है आंधी तूफान और भारी बारिश को लेकर के। जी हां दोस्तों मौसम विभाग की तरफ से ताजा रिपोर्ट आ चुकी है। इसके अनुसार अगले 24 से 48 घंटों के दौरान राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जी हां दोस्तों इन्हीं सब खबरों को हम अपने वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। जी हां दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि मौसम से जुड़ी खबर आप तक हमेशा पहुंचती रहे। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि अगले 10 से 12 दिनों में देश में ज्यादातर इलाकों में सामान्य से ज्यादा बारिश हो सकती है। जी हां दोस्तों देश में कुछ राज्यों में अगले 48 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार देश में 1 जून से 24 जुलाई तक सामान्य से 19% कम बारिश हुई है और मध्य भारत में सबसे कम बारिश हुई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि नॉर्थ ईस्ट, वेस्टर्न हिमालयन रीजन और पश्चिम भारत में भारी बारिश का अनुमान बताया जा रहा है। इसके अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी, झारखंड, बिहार, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू और कश्मीर, गुजरात में सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। 1 से 7 अगस्त के बीच मध्य भारत के अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, लक्षद्वीप में अच्छी बारिश होने का अनुमान बताया जा रहा है। इसके अलावा देश के दूसरे हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि मौसम विभाग का कहना है कि मानसून पश्चिम बंगाल और उत्तर भारत के आसपास के इलाकों में एक साइक्लोन सर्कुलेशन बनाया हुआ है जो मिड ट्रोपोस्फेरिक लेवल तक फैला हुआ है। इसके चलते पश्चिम बंगाल और आसपास के इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। एक साइक्लोन सर्कुलेशन पश्चिम उत्तर प्रदेश और आसपास के इलाकों में बना हुआ है। दूसरी ओर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का भी असर मानसून पर दिख रहा है। अगले कुछ दिनों में मानसून की जोरदार बारिश के संकेत बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग के मुताबिक देश में अब तक सामान्य से 19% कम बारिश हुई है। मध्य भारत में सामान्य से 22% कम बारिश हुई है। वहीं उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से 21% कम बारिश हुई है और दक्षिण भारत में सामान्य से 21% कम बारिश हुई है। जी हां दोस्तों मौसम से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें।